Good morning, guys. That's what you can tell. I'm not built down. अभी अभी उठा हूँ मैं भी तो अभी जल्दी से ब्रश और सब करते हैं फिर नाश्ता और करते हैं कपड़े चेंज करते हैं सुबह चलते हैं आज मेरी आंखें भी नहीं खुल रही नींद आ रही है अभी तो जल्दी से चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ तो गाइस अभी मैंने कपड़े और सब पहन लिए तो ये कपड़े पहने तो इन सबके नीचे कुछ ना कुछ पहना ताकि ठंड नहीं लगे आज हमारे स्पोर्ट्स का पीरियड है तो हम आज थोड़ा स्पोर्ट्स का पहना है अभी चलो सबसे पहले बनाते हैं बाल बाल बना के करेंगे नाश्ता नाश्ता करके चलते हैं स्कूल तो गाइस बाल तो अभी मैंने बना लिए हैं बस हो गए बाल तो चलते हैं करते हैं नाश्ता नाश्ते में क्या होगा कुछ भी हो सकता है हाँ नाश्ते में क्या है दही पराठा सॉरी दलिया तो दलिया खाएंगे मैं अभी बोलने वाला था दलिया खा के सो जाएंगे नींद आ रही है जो मैं दलिया खा के स्कूल जाएंगे स्कूल जाने के बाद आपको स्कूल जाते टाइम और आते टाइम आपको दिखाऊंगा कल जैसे मैंने आपको बहुत सारी बसों वाला एरिया दिखाया था ना तो वैसे मैं आपको और भी थोड़ी थोड़ी जगह दिखाऊंगा तो वो आप देखना और इंजॉय करना तो मैं अभी खाता हूँ दलिया दलिया खाता है आपको मिलता तो गाइस एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है अभी तो अभी टाइम हो रहा है एक बज के लगभग 1:15 हो चुके हैं तो हमेशा तो मैं 5 बजे घर आता हूँ आज 1 बजे इसलिए घर आ गया हूँ क्योंकि हुआ ये है कि मेरी जो क्लास है मेरी क्लास में
एक कोरोना केस आ गया है, तो अब वो कोरोना आया है इसलिए हम तो अब जल्दी घर आ गए हैं। अधिकतर बच्चे अब तक तो रवाना भी हो गए होंगे और घर पहुंच गए होंगे, क्योंकि स्कूल में रहना फिर मेरे लिए भी डेंजरस है, बच्चों के लिए, दूसरे जो बच्चे हैं वहाँ स्कूल में बच्चे हैं उनके लिए भी डेंजरस है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा कांटेक्ट होता है ना, क्लोज कांटेक्ट। तो इसलिए हमारी जो पूरी क्लास है उसे सेंड कर दिया, और हमारे मंडे तक अब छुट्टी है, ट्यूसडे को जाना है। तो अब मंडे को घर पे रहेंगे, फिर सैटरडे संडे फिर नॉर्मली रहेगा, और फिर मंडे को ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। तो वो मैं मेरी मैकबुक में अटेंड कर लूँगा, सारा सामान वामान मैं स्कूल से लाया हूँ। तो चलो अब खाना खाते हैं, फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला, मुझे तो स्कूल में जाने के फर्स्ट पीरियड बाद में पता चला कि अरे क्लास में एक है कोरोना केस आ गया है। तो जैसे ही पता चला मैंने तो अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया, मम्मी मामी को कांटेक्ट किया, तो फिर बाद में मैं अब घर आया हूँ। तो अब आपसे बात हो रही है, तो अब जल्दी से खाया, मैंने तो लंच भी नहीं किया अभी तक। मैं लंच होने वाला था, मतलब लंच पीरियड आने वाला था, कि लंच पीरियड आते ही चलो, तो चला तो फिर अब 1 बजे है, अब लंच करूँगा। तो मैं अब लंच करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है, बाय। तो गाइस मेरे अभी मैं खाना और सब हो चुका है, तो अब मैं करता हूँ एडिटिंग। जो अभी आज है डेली व्लॉग 6, तो मुझसे यकीन भी नहीं हो रहा, मैंने 5 दिन रोज़ सुबह उठ के व्लॉग भी बना लिया, एड भी कर लिया और शाम को डाल भी दिया, पूरे 5 दिन, 1 हफ्ता मैंने अभी किया। वीक डेज संडे को स्टार्ट किया था, आज फ्राइडे हो गया है, ये करने के बाद मेरे 6 दिन का हो जाएगा। तो आज है डेली व्लॉग 6, तो बस स्टार्ट करो एडिटिंग। ये देखो गाइस, आई मूवी का वो ऐप ओपन है, तो मैं कल परसों मैं वो सर्च करूँगा, कि मैं सीखूँगा थोड़ा, कि वो जो नया सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है वो दाविंची रिजॉल्व, तो वो कैसा है, उसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मेरे अभी उसको यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पाया था उसमें। तो पहले उसको थोड़ा सीखूँगा, यूज़ करके देखूँगा, फिर मैं आपको उसमें एडिट करके दिखाऊँगा। फिर आई मूवी अगर मैं सीख गया अच्छे से, तो मैं फिर आई मूवी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, तो क्योंकि मैंने सुना है उसका बहुत बड़ा नाम है और फ्री भी है, तो यूज़ करके देखते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो आई मूवी कंटिन्यू करेंगे, अच्छा लगा तो वो कर लेंगे। पर ये है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है उसको, मतलब प्रोफेशनल वाला काम है, तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आई मूवी में तो नॉर्मल जो एडिटिंग होता है वो नॉर्मल कोई भी कर सकता है, वैसी इजी एडिटिंग है आई मूवी में, तो इसलिए मैंने आई मूवी से स्टार्ट किया था। और आई मूवी मैकबुक का है, तो मेरे पास मैकबुक है, इसलिए मैकबुक में इजीली एडिट होता है। तो अभी तो मैं बस वो कर रहा था, और मुझे एडिटिंग करते करते गाने सुनना बहुत पसंद है, मैं गाने गाता भी रहता हूँ, सुनते भी रहता हूँ, और थोड़ा कुछ खाता भी रहता हूँ, जैसे चॉकलेट हो गई, तो अब चॉकलेट खा रहा था फिर एडिटिंग कर रहा था। तो ऐसे मैं करता हूँ, तो अभी बस एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, मैं आपको क्लिप्स बताता हूँ। बाकी अभी आपको इस वीडियो में पहले दिखाया ना मैंने बहुत सारी वो जगह है जापान की, तो वो है, फिर तो बस मूड ख़राब हो गया था। मूड तो क्या ख़राब हुआ, स्कूल नहीं जा पा रहा था, एक दिन स्कूल नहीं जा पाया, इस चीज़ का है, मतलब आज मैंने सिर्फ 3 पीरियड अटेंड किए थे, फिर सब घर चले गए थे सब बच्चे, जैसे ही पता चला और जैसे स्कूल ने डिसाइड किया, तो हमारी क्लास में सब बच्चों को घर भेज दिया, तो अब मैं भी उस टाइम घर आ गया, तो फिर 3 पीरियड हुए थे, चौथा चल रहा था कि घर जाओ, तो घर जाओ बोला, तो फिर घर जाना भी सही, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी के लिए, तो
ऐसे मैंने फॉलो किया और घर आके भी मैं सब अपने फॉलो रख रहा हूँ। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी है क्योंकि मेरी क्लास में किसी को हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं से तो मेरा भी कांटेक्ट हुआ ही होगा, तो इसलिए मैं भी सोशल डिस्टेंसिंग और सब मेंटेन कर रहा हूँ। तो यूँ नहीं है कि मैं एकदम पास पास रह रहा हूँ, मैं भी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा हूँ, कोरोना के प्रिकॉशंस कर रहा हूँ, बस मास्क नहीं पहन रहा। पर जब किसी के पास मैं आके बोलता हूँ तो मैं भी इसको यूँ कर लेता हूँ और वो गले में भी एक वो वायरस का पहन लूँगा तो वो सेफ्टी रहेगी। तो बस अभी तो फ़िलहाल यही है, आपको एडिटिंग्स की क्लिप दिखाऊँगा तो वो आप देख। तो गाइस अभी मैं ना के आ चुका हूँ क्योंकि मम्मी को जैसे ही मैंने बोला कि मम्मा मुझे अब खाना खाना है तो मम्मी ने कहा कि पहले तू ना ले क्योंकि अभी कोरोना वायरस का है और आज जब मेरे क्लास में डिटेक्ट हुआ है तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहाना। तो मम्मी ने कहा नहा ले, तो मैं नहा लिया। अब अपन बनाएंगे जल्दी से बाल, बाल देखो अभी कितने गंदे हैं, पहले तो ड्राई कर लेंगे ड्रायर से, उसके बाद बाल बनाएंगे, फिर पूजा करके फिर अच्छे से बैठ के खाना खाएंगे। तो बस करते हैं। तो सबसे पहले तो एक मिनट, मेरे पाँव पे कुछ लग गया। तो गाइस अभी आप बताना क्योंकि मैं अभी जो फ्रंट कैमरा होता है ना उससे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अभी कैमरा को देख रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है रिकॉर्ड करने में और पता भी नहीं चल रहा है कि आपको क्या दिख रहा है, पर मैं मेरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने की। तो आप बताना इसकी क्वालिटी अच्छी है या सेल्फ़ी कैमरा की क्वालिटी अच्छी है। ऑफकोर्स इसकी ज़्यादा अच्छी होगी, पर आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी और कितना डिफरेंस आता है वो आप कमेंट करके बताना। और तो गाइस जल्दी से अब करते हैं आप अपने बाल ड्राई करके, बाल बना के फिर पूजा करते हैं। इस बार सोच रहा हूँ थोड़े बाल लंबे रखूँगा, मतलब इधर तक आने दूँगा उसके बाद मैं काटूँगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो सबसे पहले ड्राई करके फिर पूजा करते हैं कि अभी बहुत बालों में ठंड लग रही है क्योंकि अभी टेम्परेचर होगा लगभग 1 डिग्री करीब, 1 तो नहीं होगा पर बाहर होगा 1 डिग्री 0 डिग्री करीब। तो जल्दी से आप वो करते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ जहाँ पे हम बाल बनाते हैं, यहाँ या आगे बाल बनाने वाली जगह पे। तो ये रहा मैं, बाल बनाते हैं यहाँ पे, वो अच्छा जगह है ना नहाते हैं। तो यहाँ से आते ही मैं आपको मेरा हेयर ड्रायर मैं सब दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है मेरा वो हेयर ड्रायर, तो सब ये इसी को यूज़ करते हैं। तो आपको हेयर ड्राई करके तो गाइस बाल और तो सब अच्छे से बन चुके हैं, अब लाइट बंद करते हैं और चलते हैं पूजा करते हैं, फिर पूजा करते हुए कि आपको क्लिप दिखाऊंगा मैं। तो गाइस अभी मैं खाना और सब मैंने खा लिया है, तो अभी बज चुके हैं 1 मिनट रुको, अभी टाइम तो मुझे पता नहीं पर अभी 10 बज चुके हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं 10 और मैंने अपना खाना वाना सब कर लिया है, तो जो मैं एडिटिंग अभी थोड़ी सी बची थी, जो लास्ट का पार्ट होता है वो बचा था, तो वो मेरा कंप्यूटर मेरे पास है वो मैं एडिटिंग कर लूँगा। तो एडिटिंग करने के बाद फिर उसे अपलोड पर कर दूँगा और अपलोड करने के बाद आप उसे देखना। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं अब ये वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। वीडियो देखते टाइम लगता है कि बहुत बनाना इजी होगा, 10 मिनट का व्लॉग है क्या है, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं डेली सुबह उठते ही सामने कैमरा होता है
तो वो आसान तो नहीं है, मेहनत करता हूँ। तो आप उसे उसके लिए लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली व्लॉग बनाना है, मुझे तो बनाना है। अभी भले ही मेरे 6 व्लॉग्स ही हों पर मुझे डेली बनाना है। तो मतलब आप मेरे व्लॉग में 100 व्लॉग, 10, जितने भी आपको, आप जब तक देखोगे ना तब तक आपको मिलेंगे मेरे व्लॉग्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अभी बस एडिटिंग करते हैं फिर सो जाएंगे। अभी 10 तो बज ही चुके हैं, 10 बज गए हैं, तो 11 11 तो नहीं, 10:30 तक अपलोड पे करके फिर मैं सो जाऊंगा। कल छुट्टी है पर पढ़ाई करेंगे, इसलिए जल्दी उठ के पढ़ाई कर लेंगे। तो जल्दी उठ के मैं आपको वापस से कल का भी ब्लॉग बताऊंगा। तो कल एक्चुअली बारिश है, तो बारिश की वजह से मैं साइकिल से नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा वहाँ बस से। मेरा एक जो क्लासेस होते हैं तो मैं वहाँ बस से जाऊंगा, तो वो आपको दिखाऊंगा। क्लास के अंदर तो नहीं दिखा सकते पर दिखाऊंगा। तो मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चाहे पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलता हूँ मैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।